एसएस गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों से बैन हटने के बाद अब समन्वय के प्रयास तेज हो गए हैं। अब संविदा भी केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों से सीधा संवाद कर सकेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी संविदा पहुंचे थे। संघ की तरफ से मध्य क्षेत्र कार्यवाह यशवंत इंदापुरकर सीएम ऑफिस से समन्वय करेंगे। इधर इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मजबूत हो रहा साथ, कम हो रही दूरी, संघ बीजेपी संघ, हाथ कसे तंज। अब संघ और बीजेपी सरकार के बीच सीधा संवाद होगा। संघ कार्यालय संविदा सीधे केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों से संपर्क कर सकेगा। सीएम ऑफिस से भी संघ सीधा संवाद करेगा। संघ और सरकार के बीच समन्वय को लेकर हुई बैठक में ये फैसला हुआ है। इधर इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से सरकार संघ चलाता है, अब हमारी बात सही साबित हो रही है। वहीं पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा कि संघ हमारी प्रेरणा संस्था है, अगर कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए तो सीखना चाहिए। कांग्रेस को तो कोई सवाल उठाने का हक नहीं है। पहले अघोषित था, अब घोषित हो गया, फर्क क्या है? कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है, और हमेशा ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से कि हम राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। जब सरकार की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस से समन्वय होगा, आपसी मनमुटाव खत्म होंगे, तो निश्चित रूप से वो बात सामने आई। हमारी प्रेरणा संस्था तो है, हम लोग को क्योंकि हमारे लोग ही सब, हम लोग तो सबसे सलाह, आप लोगों से भी सलाह ले रहे थे, अगर आप कोई हमको अच्छी सलाह दोगे तो हमें मानना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। और वो तो कांग्रेस को देखो, उनके पास कुछ है तो है नहीं, जबरदस्ती का कुछ भी बोल के वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। आपने देखा जनता ने किस तरीके से नकारा उनको। लोकसभा चुनाव के बाद संघ और सत्ता में समन्वय के प्रयास तेज हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर एमपी की महाडिबेट में करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और संघ में समन्वय की कवायद है, ऐसे में मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के सवाल है। पहला सवाल है, संघ और बीजेपी संघ तो कांग्रेस को क्यों है जलन? जी हां, संघ और बीजेपी संघ तो कांग्रेस को क्यों है जलन? अगला सवाल रहेगा, जोड़ी का तालमेल, क्या कांग्रेस का प्लान हो गया है फेल? तीसरा सवाल हम करेंगे, कांग्रेस का खुद पर ध्यान क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान क्यों नहीं देती? कहां है वो टीम जिस टीम को लेकर बात की जा रही थी कि टीम युवा होगी, टीम छोटी होगी, लेकिन टीम का कोई अता पता ही नहीं है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट आज इन्हीं तीन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं उपदेश अवस्थी जी, तनुज दीक्षित जी हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शैलेंद्र पटेल जी हैं पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, बीजेपी के प्रवक्ता हैं मिलन भार्गव जी। पहला सवाल शैलेंद्र पटेल जी, समन्वय संघ और सरकार के बीच तो कांग्रेस का ऐतराज क्यों? देखिए, कांग्रेस में इसमें कोई ऐतराज नहीं है। सरकार किससे समन्वय करे, किससे अपना विरोध रखे, ये सरकार की मर्जी। हमारी तो साफ कहना है कि पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी ये हमेशा कहती आ रही है कि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, ये चेहरा है, पीछे से आरएसएस काम करते हैं, ये हमेशा कहा है। आज ये बात साफ हो रही है, जब समन्वय की बात की जा रही है तो उन्हीं लोगों में समन्वय होगा जो साथ काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने यही कहा, कोई अलग बात तो कही नहीं है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या विषय है कि वो किससे समन्वय करे क्यों, और दूसरी बात ये कि समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या समन्वय की कमी आ गई थी जो अब समन्वय की आवश्यकता पड़ने लगी? जो अघोषित था वो घोषित कर रहे हैं, और घोषित करके अब ये भी कह रहे हैं कि अब हमें समन्वय के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें कोई समन्वय की कमी हो गई थी? क्यों हो गई थी, क्या कारण थे, क्यों आप आरएसएस की नहीं सुन रहे थे, कौन कौन से आरएसएस के मुद्दे थे, ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी कहे और सरकार बताए। वो तो जब जितने घपले घोटाले हैं उनसे फुर्सत मिले, और कहीं ना कहीं नकेल डालने की बात है कि कहीं बेलगाम बातें नहीं हो जाएं, सरकार में निश्चित रूप से आए, ये जवाब मिलिंद भाई कह सकते हैं कि हमें जनता का मैंडेट मिला, निश्चित रूप से आपको मिला है, लेकिन मैंडेट इस बात के लिए नहीं मिला है कि हम प्रदेश की जनता की सेवा करें या लगातार नर्सिंग घोटाले या अन्य घोटालों में लिप्त रहें।
मिलन भार्गव जी जवाब दीजिए, क्या दूरियां आ गई थी क्या, जो नजदीक या दूरियों को मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं? पंडा जी बड़ा ही दिलचस्प होती जा रही है कांग्रेस की राजनीति। कभी दिग्विजय सिंह जी मंच से अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं पारिषद और संघ से सीखने की आवश्यकता है, तो आप देख लीजिए, आप अपनी अपनी पसंद है, भारतीय जनता पार्टी साधु संतों और सामाजिक संगठनों से चेतना और राह लेकर देश और प्रदेश का भविष्य तय करने की तरफ आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी जाकिर नायक जैसे आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं से शांति का दूध और उससे जो पैगाम लेते हैं उस तरफ बढ़ रही है। अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी च्वाइस है। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत है और सरकार जिस मजबूती के साथ प्रदेश का विकास कर रही है, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। और जिस प्रकार से आज अपनी कमी और अपनी खामी को छुपाने के लिए आज जीतू पटवारी जी देख लीजिए आप कितने दिन हो गए अध्यक्ष बने, लेकिन आज भी टीम नदारद है। बिना टीम के अध्यक्ष, वो भी सबसे असफल मध्य प्रदेश के इतिहास में, जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही खंगाला जाएगा, जिसमें दलित महिलाओं को चासकी खोजने वाले के पास आज टीम का टोटा पड़ गया है। अपने कार्यकर्ताओं को वो खोज नहीं पा रहा, अपनी टीम नहीं बना पा रहा है। ये बताता है कि अपनी खमी खामी चुनाने के लिए दूसरे के घर में दखल अंदाजी। अरे सर, हम सरकार चला रहे हैं, पूर्ण मजबूती के साथ चला रहे, मध्य प्रदेश के हित में एक निर्णय ले रहे हैं। अब जाकिर नाइक से सलाह लीजिए ना, जो जिनको शांति का दूत आप मानते हैं, अफजल गुरु के लिए आंसू बहाने का काम आपने किया, देश के आतंकियों को जिस प्रकार से आपने हमेशा पोषित करा, पाकिस्तान से सलाह लीजिए। सलमान खुर्शीद जी तो गए थे चुनाव के पहले, और जो आपके मणिशंकर अय्यर हैं वो तो क्या क्या नहीं कहते थे साहब, अपनी अपनी पसंद में। वही मैं कह रहा हूँ कि आप जीत के राजदूतों को बुलाकर क्या गुप्त वार्ता राहुल जी करते हैं और हिंदुओं को संसद में गाली देते हैं, और आपका इतिहास तो पुराना है, हम साधुओं संतों की बात सुन के सामाजिक नेतृत्व की बात सुनकर आगे बढ़ते हैं, और आप क्या करते हैं, देश के साधु संतों को 1966 में कत्लेआम कर दिया, गोली मार दी क्योंकि उन्होंने काता के साथ गौ माता की बात कर दी, आपको नगावार घुस दिया, आपके नेताओं को छलनी कर दिया गोलियों से, किसानों को छलनी कर देते हैं, आप शहीदों पर किस प्रकार से आप आक्षेप लगाते हैं, देश के महापुरुषों को छोड़कर आप सुल्तान औरंगजेब, लेकिन हम देश के महान संतों को लेकर महापुरुषों को लेकर आगे बढ़े। अपनी अपनी पसंद हम किससे मार्गदर्शन हासिल करना चाहे जी। अपर्णा जी विषय क्या था, मिलन जी कहां ले गए, खैर वो उनकी बात रखने का तरीका है कि किससे, अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो शंकराचार्य जी की बात माने, वो तो आप मानते नहीं हैं, अयोध्या के बारे में कुछ कहते हैं तो वहां साधु संत आपको नजर नहीं आते, अपना अलग एजेंडा चलाते हैं, खैर ये आपकी मर्जी है, आपका इंटरनल मैटर है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप स्वीकारो कि हाँ संघ और भारतीय जनता पार्टी एक है और हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप ये स्वीकारेंगे तो, हम तो पहले से ये कहते आ रहे हैं, और कोई इसमें इशू थोड़ी है, कौन किसके साथ रहे कौन किसके साथ नहीं रहेगा ये तो पार्टी निर्णय करेगी। जहां तक आप इल्जाम अभी पूरे विषय को भटक के कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष पे लगा रहे थे, इन इल्जामों से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी कमजोर हो रही है या हमारे अध्यक्ष कमजोर है तो आप खुशी मनाइए ना, आपके लिए तो फायदा ही है, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, आपके पेट में क्यों दुख रहा है। निश्चित रूप से जो समय आने वाला है वो संघर्ष का समय आने वाला है। पूर्व में भी देखा है कि जब जीतू पटवारी जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में व्यापम के खिलाफ कहो किसानों को साथ लेकर जो आंदोलन खड़े थे, आने वाले समय में हो जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अब मेरी बात खत्म हो जाने, निश्चित रूप से मिलेगा, और अब जो समय आएगा मिलेगा। हाँ देरी हो रही है, विचार करके कर रहे हैं इसलिए देरी हो रही है, काम तो कोई रुका नहीं है, लगातार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जहां उपचुनाव है वहां की तैयारियां चल रही हैं, लगातार बैठक और मंथन हो रहे हैं, वो सारे काम होंगे। हमारा तो एक ही बात कहना है, जो आज का टॉपिक है, जो आज का विषय है, कि आप जो नहीं स्वीकारते तो आप स्वीकार लीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं उसमें, कि आप कौन सी विचारधारा का फॉलो कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप करिए। ठीक है मिलन जी, आपका भी आंसर शॉर्ट में, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में, जितना समय आपने चैलेंज को दिया उतना ही समय में अरे तो पहले भी आपने पहले आंसर में अधिक दिया था महाराज, ऐसे मत कहिए। नहीं मैं आपने बोला शॉर्ट में, तो मैं आपका जवाब ठीक है। देखिए जिस प्रकार से राजनीति और वैचारिक रूप से दिखती है कि आप जाकिर नाइक जैसे आतंकियों के विचार को फॉलो करते हैं, हम राष्ट्रवादी संगठनों के विचार को फॉलो करके इस देश की परंपरा और संस्कृति को बनाए रखते हैं, काम कर रहे हैं। आप इस संस्कृति को चिढ़ाने और हिंदू संस्कृति और सनातन को जिस प्रकार से अपमानित करके लगातार काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी हो सकती है, लेकिन हम देश संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ रहे हैं। और शैलेंद्र जी जिस प्रकार से संघ में दिलचस्पी ले रहे हैं, मुझे लगता है चुपके चुपके शाखा भी जाने लगे, क्योंकि सेवा दल पे तो ताला लग गया है, उन्होंने नकल करके अकल की
अकल के बिना नकल तो कर ली, लेकिन सेवा दल को खड़े नहीं कर पाए। आज मुझे लगता है कि सेवा दल पर यदि बात करते तो बेहतर होता, लेकिन सेवा दल नजर आते गायब है। सेवा तो सिर्फ मेवा के लिए है। आप देखिए इस देश में कोरोना जैसी विभीषिका आ गई, सेवा दल कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक जगह दिखाई दिए। अपर्णा जी, यही अंतर है। ठीक है, यही अंतर है। शरण जी, दो और मेहमान है, उनको शामिल कर लेते हैं। उपदेश जी बीच में मुस्कुरा रहे थे। उपदेश जी, सवाल जो आपने दोनों के रिएक्शन सुने उस पर तो आपका भी रिएक्शन रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक और सवाल, क्या वाकई कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस देश के मूड को भांपा कि एक गलत नैरेटिव चला गया, एक गलत संदेश चला गया कि संघ और बीजेपी में दूरियां हैं, इसीलिए नजदीकियां अब दिखाई जा रही हैं, जाहिर की जा रही हैं? उपदेश जी, बिल्कुल सही बिंदु, यही मैं बोलना चाहता था कि पिछले 10 सालों में जो सरकार है, और मध्य प्रदेश में तो लगातार पिछले 15 साल से, हम 20 साल पूरा करने जा रही है भाजपा, ये जो सत्ता निरंतर चलती है, जब सत्ता की कंटिन्यूटी बनती है तो विकृतियां आती हैं, और उनकी साफ सफाई के लिए कुछ चीजों का, कुछ अभियान का, कुछ प्रक्रियाओं का होना बहुत जरूरी होता है। ये बिल्कुल वही है। कुछ दूरियां आ गई थी, कुछ फ्रैक्शंस थे विचारों में, कुछ गड़बड़ियां चल रही थी, कुछ मिलावट हो गई थी, है ना? तो हम सब जानते हैं चुनाव के समय हमने देखा कितनी मिलावट हो गई थी। तो अब उस मिलावट के बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वरूप स्थापित रहे, वो कांग्रेस ना बन जाए, ये बताना बहुत जरूरी है, और इसके लिए समन्वय बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समन्वय के तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर भी कहते ना, अवतार होते हैं, जब समाज में सब चीजें गड़बड़ हो जाती है तो ईश्वर एंट्रेंस अवतार लेते हैं, समाज के भीतर आ जाते हैं और फिर उसको ठीक करके वापस चले जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता के भीतर आ गया है। यहां मैं शैलेन्द्र पटेल जी की बात से बड़ा सहमत करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई फर्क नहीं है। मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस में भी कुछ ज्यादा वो नहीं है। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बड़ा अच्छा संगठन मानते हैं। दिग्विजय सिंह भी एक अच्छा नाम है उनमें, जो ये कहते हैं कि संघ से अनुशासन सीखना चाहिए, संघ से संगठन सीखना चाहिए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से कई सारे ऐसे विधायकों को और कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं जिनके बच्चे संघ के कार्यक्रमों में उस समय आते थे जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार थी। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे में, कांग्रेस के नेताओं को जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद को सपोर्ट किया था, खुद नहीं गए थे, अपने रिश्तेदारों को भेजा, अपने बच्चों को भेजा या किसी और को भेजा, लेकिन अपनी मदद भेजी, हम जानते हैं उनको। तो ये एक अच्छी बात है। उनका शैलेन्द्र पटेल साहब का कहना था कि समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया है कि समन्वय की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ तो मिलावट हो गई थी, बहुत सारे बाहर के लोग आ गए हैं, विचारधाराएं बदल गई हैं, काम करने का तरीका बदल गया है, और सिस्टम को ठीक करने के लिए सिस्टम के अंदर आना बहुत जरूरी है। आप सिस्टम के बाहर रहा है संघ बीजेपी, बैक सीट पर ना रखकर फ्रंट सीट पर लाने की कोशिश की गई ताकि वो फिल्ट्रेशन का काम हो सके। सर मैं आगे बढ़ रही हूँ, तनुज जी के पास आ रही हूँ। तनुज जी, जो होम केंद्र गृह मंत्रालय है उसने अपनी वेबसाइट पर भी हाईकोर्ट के उस फैसले को लगाया है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि संघ भी जो संगठन के अंदर जो प्रचारकों की कमी हो गई थी उसके लिए अपने लोगों को भेजेगा। यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि जो गलती अगर हुई भी थी ओवर कॉन्फिडेंस की, तो उस गलती से सबक लिया गया है वक्त रहते ही। लेकिन कांग्रेस जो है विचार कर रही है, शैलेन्द्र पटेल जी कह रहे थे कि समय निकल रहा है और टीम का आकार ही नहीं ले पा रही है टीम जीतू पटवारी की। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि कांग्रेस का संगठन तो ये मान के चलिए कि इस समय मध्य प्रदेश के अंदर इतना मजबूत नहीं हो पाया है। तनु जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं। अंतर्गत कला आप सुन नहीं पा रहे मुझे? जी जी, अब आप रिपीट कीजिए मुझे। हाँ हाँ रिपीट। हेलो जी सर। जी जी, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब से जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनकर के आए, तब से देखिए लगातार कांग्रेस के अंतर कलह जो है सभी के सामने आई। काफ़ी सारे इस्तीफों का दौर हमने देखा। हमने देखा कि कांग्रेस जो इतना एक प्रगाढ़ रूप ले रही थी 2018 के इलेक्शंस में जब हमने देखा था, उसके बाद से जो अभी इस तरीके से एकदम कांग्रेस का हम जो डाउनफॉल देख रहे हैं, काफ़ी सारे नगर निगम के महापौर, कई विधायक जो है चल चल के कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कांग्रेस के अंदर।
लेकिन आज जो हमारा विषय है, मुद्दा है, वो संगठन और भारतीय जनता पार्टी के समन्वय के ऊपर एक चर्चा का है। तो मैं आपको याद दिला दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आजादी के समय से ही जो है एक अलग ही पहचान रखता है। साथ ही साथ सन 1955 के अगर हम बात करें तो उन्होंने 1954 की बात करें तो दादर और नागर हवेली को पुर्तगालियों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अलग करवाया था। 1955 में गोवा मुक्ति संग्राम में संगठन की बहुत विशेष महत्वता रही। इंडो वॉर जो था, मतलब जो चीनी महायुद्ध के पहले 1962 में, उसमें अगर आपको ध्यान हो तो संगठन के आरएसके के स्वयं सेवकों ने जाकर के जो प्रतिभागिता ली थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1963 को वो स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को बुला करके सम्मानित किया था। तो देखिए, उसके बावजूद भी और भी वॉर्स हुए। 1972 में पाकिस्तान के साथ में जो वॉर हुआ, ये सभी जो सिनेरियो रहा, संघ की एक अलग भूमिका रही। संघ ने हमेशा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम किया और देश भर में अपने खुद के स्वयंसेवक बनाकर के तो एक अलग ही कीर्तिमान है। जो अलग अलग मोर्चों पर भूमिका देखने को मिली है संघ की, मिलन भागवत जी ने भी कहा कि संघ तो हमेशा नजर आया, लेकिन शैलेंद्र पटेल जी, संघ और सरकार समन्वय वो उनका अपना आंतरिक फैसला और वो अपनी बेहतरी के लिए ये फैसला उन्होंने लिया है, वो ये मानकर चल रहे हैं। कांग्रेस की बेहतरी किसमें है, एक इस पर आपका रिएक्शन, और जो आप मिलन भागवत जी की बात पर अपना जवाब देना चाह रहे थे उस पर भी आपका जवाब। देखिए, पहले मैं मिलन जी कांग्रेस की बेहतरी तो देखिए क्या है, सवाल मेरा कांग्रेस के सर, कांग्रेस के मेहमान से। देखिए, मैं मिलन जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि जहां तक मुझे समझ में है, आरएसएस वैचारिक संस्था है जो विचारों को बढ़ाती है, किसी व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी तो व्यक्तिगत हो गई, इस चुनाव में देखा, मोदी के नाम पे चुनाव जब लड़ा जाता है, देश का चुनाव लड़ना तो अपना अलग विषय है, लेकिन प्रदेश का चुनाव भी मोदी की गारंटी के नाम पे लड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से तो व्यक्तिवादी हो गए। अब वो कोई दूसरी बातें करें कि हम यहां से सीख रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं, ये अलग विषय है, और क्या उनको सिखाया क्या नहीं सिखाया, इन विषय में नहीं जाना चाहता। निश्चित रूप से आरएसएस का काम करने का तरीका है, और उस तरीके को कई बार हमारे नेताओं ने भी कहा कि बहुत बेहतर तरीके से वो काम करते हैं, निष्ठा से जिस तरीके से काम करने उसकी आवश्यकता है, कैसे हम लोगों तक जाए, क्या करें। और देखिए, दूसरी बात, जहां तक हमारी बेहतरी की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, निश्चित रूप से चुनाव हारने के बाद हम सब ने महसूस किया कि हम कमजोर हुए हैं, इसमें मुझे स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि रिजल्ट उस तरीके से आए। मैं कुछ आज बोलूंगा तो रिजल्ट तो उसी तरीके से हैं कि मध्यप्रदेश में आज 29-0 हैं, या हम सरकार लगातार नहीं बना पा रहे तो कमजोर हुए हैं, तो लगातार मंथन का दौर चल रहा है, जो कांग्रेस का वैभव रहा है। देश की आजादी का सवाल है ना, मेरा क्वेश्चन भी यही है शैलेंद्र जी। अपर्णा जी मेरा जवाब आने दीजिए, आप अपनी बात कहिएगा। मेरा कमेंट इसमें यह है कि जहां वो मजबूत है, मध्य प्रदेश में जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है, वहां भी वो समन्वय पर जोर दे रहे हैं, और जहां आप सबसे ज्यादा कमजोर रहे चुनाव में भी, वहीं पर आपकी टीम नहीं बन पा रही सर। देखिए अपर्णा जी, टीम क्यों नहीं बन पा रही अपना एक अलग विषय है, उसका मैं बताता हूं। लगातार चर्चा हो रही है किस तरीके से हम सब लोग मिलकर बनाए, इसका लगातार पहली बार सर, जो अनिश्चितकाल से चली जा रही है। अपर्णा जी मुझे सुनिए, तो देखिए अपर्णा जी सुनिए, हाँ, लगातार हम सब लोग बैठ रहे हैं, लगातार विधानसभा के लोकसभा के प्रत्याशी बैठे हैं, सारे नेताओं को मेरी बात तो हो जाने दीजिए। आप मेरी बात हो जाने दीजिए, आपका समय आएगा महाराज आप बोल लीजिएगा। जब कांग्रेस लगातार विचार कर रही है, और निश्चित रूप से टीम आएगी, हो सकता है समय लग रहा है, आपकी नाराजगी जायज है, आप भी चाहते हैं कि मजबूत प्रतिपक्ष हो, और ये आपका भी वो है कि सत्ता के सामने लड़ने के लिए अच्छे लोग हों, मजबूत लोग हों। आपके लिए धन्यवाद आपकी चिंता करने के लिए, और हम भी चिंता कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अच्छी टीम आपको मिलेगी, जैसा कि पूर्व में भी जो लगातार मध्यप्रदेश के अंदर जो संघर्ष किया था, वो एक नए सिरे से वो संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मिलन जी, जल्दी से कमेंट, फिर मैं जा रही हूं उपदेश जी के पास। देखिए पंडित जी, एक बात से स्पष्ट हो गया शैलेंद्र जी के, टीम तो नहीं आएगी क्योंकि तारीख वो बता नहीं पाएंगे, और कांग्रेस के जो हमारे साथी मित्र हैं वो पीछे पीछे बता भी रहे हैं कि टीम तो बनने से रही, क्योंकि जीतू पटवारी जी को हटाने की कवायद चल रही है और अरुण यादव जी को लाने की कवायद हो रही है, तो इसके पीछे ये स्पष्ट है कि टीम के बिना ही अध्यक्ष जी हट जाएंगे, क्योंकि सबसे असफल नेता और जिस प्रकार से चाय पिलाने की सौजन्यता पर कार्यकर्ताओं को जो बेदखल करते, और जो अपने विधायक, जो अपने नेता, और जिस प्रकार से महिलाओं के बाल पकड़कर बंगले से बाहर फेंकते, उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए,
ये उनकी सफलता है और इसी कारण वो हटेंगे और टीम नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये लगातार चल रहा है। और जिस प्रकार से आरएसएस जैसे वैचारिक संगठन को शैलेंद्र जी ने स्वीकार करा, अच्छी बात है, हिम्मत वाले हैं आप, यही हिम्मत राहुल जी को दिखाइए, उनको सिखाइए और संघ की शाखा भेजने के लिए तैयार करिए, क्योंकि वो तो संघ के खिलाफ कितना बोलते हैं, वो देश की संस्कृति के खिलाफ कितना बोलते हैं, वो हिंदुओं को कितना चिढ़ाते हैं। थोड़ा शैलेंद्र जी जैसे कार्यकर्ता उनको समझाएंगे तो मुझे लगता है राहुल जी को थोड़ी समझ पैदा होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो राजनीति कर रहे हैं, उनको भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं की एबीसीडी भी नहीं आती, ये चरितार्थ हो गया। और रही बात, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बेचैन है, आज भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने में वो कोसों दूर जा चुकी है, न वैचारिक रूप से लड़ पा रही है न राजनीतिक रूप से। आज अपनी टीम की जरा चर्चा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर नजर रख रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की सलाह काम आई है, दिग्विजय सिंह जी की सलाह पर कांग्रेस के प्रत्येक नेता आज काम कर रहे हैं और संघ के विचारों पर काम कर रहे हैं। अच्छी बात। लास्ट 20 सेकंड आपके पास जी। तरुण जी, मैं अपर्णा जी यही कहूंगा कि कांग्रेस जी, अपर्णा जी मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर ध्यान हो तो आरएसएस एक बार कांग्रेस को भी ऑफर कर चुकी कि जिस तरीके से बीजेपी उनका समर्थन मांग चुकी है, आप भी लीजिए, हम आपको भी सशक्त करेंगे। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें सभी को पता भी होगी, याद भी होगी। तो हमारा बस यही कहना है, पार्टी कोई भी हो, संगठन अगर मजबूत नहीं है तो कोई भी पार्टी इस देश की राजनीतिक रूप में पराकाष्ठा नहीं रख पाएगी, और यही एक चीज है जो संगठन के अंदर अपने आप में उसको एम्पावरिंग ओपोनेंट्स। हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। एमपी की मार्केट में वक्त इतना ही था मेरे पास चर्चा के लिए, संघ और सरकार का समन्वय, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये तो पहले भी था, अब सामने आ गया है, तो उसमें नया क्या है। तो मध्य प्रदेश की मार्केट में इतना ही, खबरें लगातार जा रही है, जुड़े रहिए।